नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी फ्लेवर्स में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी साउथ इंडिया की बहुत ही पॉपुलर और फ्लेवरफुल राइस की रेसिपी, लेमन राइस, जिसकी प्रिपरेशन है बहुत ही आसान और इसे हम एक वन पॉट मील की रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत ही कम समय में झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं लेमन राइस। लेमन राइस के लिए यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है और ये चावल है 1 कप। इसको मैं भिगा दूंगी, लगभग 30 मिनट के लिए इसको मैं भिगा दूंगी और फिर मैं इसको बॉईल करूंगी। अब ये हमारा चावल आधे घंटे भीग चुका है, इसको हम एक बड़ी छन्नी में छान लेंगे और इसको रनिंग वाटर से साफ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे इसको। इसको रनिंग वाटर से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको वॉश कर लेंगे और फिर इसको छान कर थोड़ा रख देंगे जिससे कि इसका पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े सॉस पैन में करीब 5 से 6 कप पानी चढ़ा के रखा हुआ है और ये पानी उबल रहा है और इस उबलते हुए पानी में मैं ये चावल डालूंगी और इसको हम तेज आंच पे लगभग तब तक पकाएंगे तब तक कि ये थोड़ा सा चावल फूल नहीं जाता। 4 से 5 मिनट इसको तेज आंच पे पकाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा इसको मिक्स कर देंगे और उबलने देंगे। अब हम देख सकते हैं कि चावल साइज में थोड़ा डबल हो गया है। इसको गैस इसकी धीमी कर देंगे और इसको पका लेंगे। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, अब इसको धीमी आंच पे इसलिए पकाएंगे जिससे कि चावल टूटे नहीं और ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। तो इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको हम छानेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा चावल पक चुका है। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसको हम एक दाना इसका देखेंगे। तो हमारा ये चावल अच्छे से पक गया है, अब इसको हम छान लेंगे। चावल को मैंने बड़ी छन्नी में छान लिया और इसको थोड़ा कांटे से या फॉक से इसको फैला लेंगे बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और फिर हम साथ ही इसका तड़का तैयार करते हैं जब तक ये चावल का पूरा पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और फिर मैं उसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच मूंगफली और 2 बड़े चम्मच काजू और इसको मैं फ्राई कर लूंगी। अब ये हमारे मूंगफली और काजू फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, इनको मैं निकाल लूंगी। अब इसी बचे हुए तेल में मैं डालूंगी 1 चम्मच राई, सूखी लाल मिर्च 1 से 2 और 1 छोटा चम्मच चना दाल, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल धुली हुई और थोड़ा सा इसको हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन हो जाता है तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अगर आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको भी हम खुशबू आने तक भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब ये देखिए सब हमारे ये इसमें बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, सब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राइस जो हमने छान कर रखे थे, अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। पहले भी हम चावल में थोड़ा नमक डाल चुके हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, बहुत ही हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। और फिर हम डालेंगे इसमें भुने हुए मूंगफली और काजू, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट हम हल्के हाथ से चलाएंगे। और वैसे तो आप ये बचे हुए चावलों से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रहेगा चावलों पर और ये बिल्कुल अलग अलग हमारा ये लेमन राइस बनेगा।
अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट बिल्कुल ही हल्के हाथ से चलाया था। गैस बंद करके डालेंगे इसमें 2 नींबू का रस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, यानी 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्के से। और फिर हमारा तैयार है ये लेमन राइस। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। और इसे आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी।